प्राइवेट स्कूल में जो माफिया सक्रिय है उसे रोकने में एडमिनिस्ट्रेशन फेल लगती है। कई दिनों से इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है, कई तस्वीरें भी वायरल हुई। 4 बुक्स अगर लगाई गई हैं तो 20-20 स्कूल वालों ने लगा दी। अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि 4 लगाओ, वो भी एनसीईआरटी की लगाओ, तो वो 20-20 लगा रहे हैं, 22-22 लगा रहे हैं। और बड़े बड़े बैग पॉलिसी को लेकर भी प्रदर्शन किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि इन चीजों पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल है एडमिनिस्ट्रेशन। इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अब 3 दिन हड़ताल पर बैठे हैं पेरेंट एसोसिएशन। पेरेंट एसोसिएशन जो है वो 3 दिन की हड़ताल में, कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ। आप कहाँ से हैं? नौशहरा से। क्या नाम है आपका? नरेश। अच्छा नरेश जी, आप नौशहरा से यहाँ क्यों आ गए, क्या हो गया? इसी प्रोटेस्ट के बारे में आए हुए थे। अच्छा, हमारे साथ भी बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में क्या क्या हो रहा है। जिस तरह फीस फिक्सिंग कमेटी ने फीस फिक्स की हुई है, कोई भी फीस फिक्सिंग कमेटी को प्राइवेट स्कूल नहीं मान रहा। उन्होंने मानते ही नहीं है, मानता ही नहीं। वो कहते हैं हम नहीं मानते इसको, फीस फिक्सिंग को नहीं मानते। वो दिखाते नहीं, पहला नंबर तो दिखाएंगे नहीं कि भाई उनके पास फिक्सिंग की जो रिपोर्ट है वो हमें दिखाएं, वो दिखाते ही नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब दिखता है कि यहाँ धांधली है, घोटाले, उसके बाद भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में ही जाके बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया? वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते? सरकारी स्कूलों में इतनी फैसिलिटी हो तो फिर कोई क्यों जाएगा प्राइवेट स्कूल में? सरकारी वहां पे सरकारी स्कूल को भी आपको ऐसा लगता है जानबूझ के डेवलप नहीं कर रहे हैं सरकारी स्कूल? हाँ यही है, उनमें कोई फैसिलिटी नहीं है। कौन छोड़ेगा बच्चा उसमें? वहां पे ना तो पानी पीने के लिए होगा, ना बाथरूम होगा, कहाँ जाएगा बच्चा वो? प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? वो ये फीस एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस, बुक सेल कर रहे हैं स्कूल के अंदर। ट्यूशन फी कितनी ले रहे हैं और एडमिशन फी भी ले रहे हैं, एनुअल एनुअल ले रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे हमारे स्कूल में एनुअल फीस उनकी फिक्स है 43 से लेकर 48 तक, लेकिन वो 9-9 हजार 10 हजार ले रहे हैं। अच्छा, और जो मंथली फीस है 560 रुपये फिक्स हुई है, लेकिन 1200-1350 एक्स्ट्रा 150-150 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। लेकिन कोई नहीं, मतलब उनको पूछोगे तो वो कहते हैं हमें हम नहीं मानते, हमारी फीस अपने लेवल फिक्स हुई है। परेशान हो गया? हाँ परेशानी है। अच्छा मैम, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या नाम है आप? पूजा गुप्ता। थोड़ा सा अगर आप कैमरे की तरफ टर्न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, क्या आप जम्मू से हैं? हम जम्मू से ही हैं सर। अच्छा, क्या वो आपके साथ? सर इन्हें मेरे बच्चों को स्कूल नहीं आने दे रहे हैं। कौन सा स्कूल है? आरएम पब्लिक स्कूल, रमेश्वर मैंगी। अच्छा, चेयरमैन ऑफ रमेश्वर मैंगी। कहाँ पर है ये स्कूल? चौथी में है। अच्छा, आपके बच्चों को स्कूल ही नहीं आया, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सेवेंथ में है। क्यों नहीं आने दे रहे? ये सर ट्रांसपोर्ट फीस की वजह से। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट फीस जमा करवाओ तो बच्चा आपको अंदर आएगा। अच्छा। फिर हम एसडीएम को कंप्लेन वगैरह की, उन्होंने अर्जेंटली कमेटी बिठाई। कमेटी हमारी पूरी अप्रूवल हुई है, पूरी उनके डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, बुक्स के, यूनिफॉर्म्स के। तो उन्होंने बोला बच्चे को, बच्चे ने मेरे अंदर जाके पूछा कि सर मैं आ सकता हूँ? कहते उन्होंने बोला हाँ आ सकते। नेक्स्ट डे जब मैं उनके कहने पे छोड़ने गई तो उन्होंने बच्चों को ही नहीं आने दिया। पहले गेट बंद कर दिया, पहले इसके पापा गए छोड़ भी, मैं पीछे पीछे आ रही थी, फिर गेट बंद कर दिया, मैंने गेट जोर जबरदस्ती खोला तो वो आगे, सर खुद नहीं है, रक्षण खुद नहीं सामने, तो वो टीचर्स हैं। तो मैं तो उन टीचर्स को पूछना चाहती हूँ कि आप कौन है, आप कौन हो मेरे बच्चे को कि नहीं जाने वाले? अगर आप काम करते हो तो उसके पास करते हो, मेरे बच्चे को नहीं ना आप हाथ लगा सकते। तो पीछे से इंस्ट्रक्शन होगी कि बच्चे को नहीं आने देना। नहीं पर सर, जब नहीं सर, कमेटी फ्रेम, जो कमेटी हमारी फ्रेम हुई है, उनके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बच्चे को नहीं आने देने का। जो कमेटी ने स्कूल की, स्कूल वालों ने, हाँ ये बोलते हैं, डायरेक्टर ने बोला, मैं कल डायरेक्टर साहब के पास भी गई थी, मैंने बोला सर मैं आपसे ये लेटर आपने इशू किया, कहते नहीं। मैंने कहा सर साथ में ये देखिए, ये आरएम पब्लिक स्कूल ट्रस्टी स्कूल है, एफिडेविट टू दिल्ली। पहले आप मुझे बताइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीबीएसई स्कूल तो आता ही नहीं है, ये तो जाता है दिल्ली शैली में, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि बोलते, इन्होंने मेरे को एक लेटर भेजी जिसमें ना डायरेक्टर है ना कुछ है। मैंने उनको सर को बोला, मैं कहा सर ये कह रहे हैं कि मुझे डायरेक्टर ने बोला कि बच्चा स्कूल में नहीं आ सकता। जब मैं डायरेक्टर साहब के पास गई, वो कहते हैं उनके पास मेरा ऑर्डर था। मैंने कहा सर नहीं, मैंने कहा सर वो तो आपका नाम ले रहे, पहले एसडीएम का नाम ले रहे थे, फिर तहसील भाऊचारी का नाम। एसडीएम और तहसील भाऊ जी ने बहुत मेरी मदद की है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बच्चे के लिए बड़ा पेन लिया है। अभी हमारी कमेटी फ्रेम हुई है, उसका फैसला 2-3 दिन तक आ जाएगा कि क्या बच्चे को क्या करना है। आज भी बच्चे ने एसडीएम को फोन किया सुबह कि सर मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, आपने कुछ किया नहीं किया। तो मैम मुझे बोल रहे हैं आप 2 दिन का टाइम दो तो अब बच्चा तो आपका जाएगा। उन्होंने खुद मैजिस्ट्रेट और रक्षण मैंगी ने ये खुद एक्सेप्ट किया कि हमने 6 का इसको वो नहीं दिया है, रिजल्ट नहीं दिया। तो मैंने कहा जब आपने 6 का रिजल्ट नहीं दिया, आपके टीचर्स खुद ही कह रहे थे कि 7 की बुक्स ले लो,
क्लास बच्चा मेरा ऑलरेडी 10-15 दिन गया रिजल्ट से पहले ही। हाँ नहीं रिजल्ट में ही, रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट था ना तभी, तो बच्चा मेरा ऑलरेडी जा रहा था, इन्होंने 11 के बाद इसको बाहर निकाल दिया सर। पहले रिसेप्शन में मेरे को कोई इंटीमेशन नहीं थी, कोई पेरेंट्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो शायद हमारे मोहल्ले के ही होंगे। उन्होंने बोला कि भाभी जी आपका बच्चा बाहर है, तो मुझे लग रहा है फीस के बाहर। फिर मैंने फोन किया, मैं कहा सर मेरा बच्चा क्यों बाहर है, मैंने प्रिंसिपल को फोन किया, हरविंदर मैम को, वो कहते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन है चेयरमैन सर की। मैंने कहा अगर चेयरमैन सर की इंस्ट्रक्शन है तो चेयरमैन को बोलो मेरे बच्चे को बाहर निकाले, फिर आप क्यों बाहर निकाल रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर सुरेंद्र सिंह सर उनका ड्रामा देखिए, मैं कल अपना बच्चा छोड़ने गई, डायरेक्टर खुद आगे पीछे पीछे से देख रहा है, आगे नहीं आया, तो एक टीचर प्रिंसिपल यहाँ खड़ी है सर, जैसे गुंडागर्दी होती है ना, मास्टर जी गुंडा है हम गुंडे हैं, तो वो ऐसे खड़े कर दिए। फिर भी मैंने उनको बोला, मैं उनको नहीं मानी, मैंने बच्चों को बोला तू जाओ, उधर से निकाले हैं बच्चों को, घसीट घसीट के निकाले उनको, वहां से निकाले, मैं फिर भी अकेली। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने आपको जान देने की कोशिश की ताकि मैं मर सकूं, इनको पता लगे, इनके पेरेंट्स को, आरएम पब्लिक वाले के पेरेंट्स को पता लगे कि अगर एक बच्चे के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, एक अकेली सिंगल माँ कर रही है। मैं गई, फिर उन्होंने क्या किया, हमने पुलिस वाले को किया, हमने सैनिक कॉलोनी वाले, मेरा बच्चा गया वहां वहां के बैग छोड़ के कि मेरे को सर बाहर निकाला, इन्होंने 2 पुलिस वाले को भेजा, वो पुलिस वाला बोलता है, भवानी सिंह बोलता है जी हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं कहा सर मेरा बच्चा बिठाओ, आप एसडीएम से बात करो। मैं कहा भवानी सिंह, अच्छा वो जो चौकी अफसर है। हाँ तो मैं तो सर डरती नहीं किसी का नाम लेने से, क्योंकि मेरे बच्चे को हरास किया है, मारा है, मेरे पास उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो भी है प्रूफ लेना लीजिए। इसने पहले पिछले साल मेरे बच्चे के साथ वेदांत गुप्ता के साथ भी ऐसा किया, मैंने इसको लीगल नोटिस 2 महीने के लिए मेरे बच्चे को गेट कीपर की तरह खड़ा किया, मैंने तब भी खून का घूंट पी लिया कि चलो जी नहीं ठीक है मेरा एक बच्चा पड़ता। इसने क्या किया मेरे साथ, वो किया मेरे साथ, इसने ड्रामा खेला, रजनी गुप्ता, रेवा गुप्ता, रजनी गुप्ता जिसने मेरे बच्चे को निकाला, रेवा गुप्ता के साथ तो मेरा कोई था ही नहीं, उसका भी रिजाइन लेटर लिया, उसका भी रिजाइन लेटर, सोनिया मैडम जो आरएम में हिंदी पढ़ाते हैं उसका भी, मुझे दिखाया, हमने इनको टीचर्स को निकाल दिया सर, निकाल दिया, वो महीने की छुट्टी पे चले गई, तो बाद में मुझे पता चला कि उसने फिर ज्वाइन कर दिया है। फिर मैं गई, मैं कहा सर ये इनसे ज्वाइन क्यों किया आपने, मेरे बच्चे को टीसी दे दी, कहता हम आपके एक बच्चे के पीछे टीसी नहीं दे, किसी मैडम को नहीं निकालते। उस मैडम ने मेरे से माफी मांगी, उसने कोऑपरेटर भी सर के पास बैठे हुए थे, उसने मेरे से माफी मांगी कि मैडम सॉरी आगे से ये चीज नहीं होगी। फिर इन्होंने मेरे बच्चे, अब ये क्या करते हैं, ये पुलिस चौकी वाले मुझे पूछते आपके बच्चे के साथ ही क्यों हुआ ये, मैं कहा सर मेरे बच्चे के साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं बोलती हूँ, मैं जो गलत जो चीज है वो मैं बोलती हूँ। फी आप पे नहीं की थी या ज्यादा लेते थे लोग? फीस सर मेरी ना थोड़ी, हमारी ट्रेजेडी हो गई, मेरी जठानी जी की डेथ हो गई, उसके कारण थोड़ी हमारी फीस ऊपर नीचे हो गई सर। मंथली फीस इनको मैंने डिपॉजिट करवाई अक्टूबर से, डिपॉजिट इनको अभी तक नहीं पता अक्टूबर की फीस से मार्च की फीस पूरी क्लियर है, ये मैंने इनको पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये कहते हैं हम बैंक के खिलाफ कुछ करेंगे। मैंने कहा आपने जो करना बैंक आपका, स्कूल आपका। हमने फिर मेरे हस्बैंड ने पूरा उनको बायोडाटा दिया, पूरा वो निकाला, सारा निकाला, तो अभी तक मेरे बच्चे को स्कूल में नहीं जाने दिया। अभी कमेटी फ्रेम हुई है, उनका फैसला आएगा फिर। टिल मैंने कहा आपको डायरेक्टर साहब ने मेरे को कल बोल दिया आप भेजो बच्चे को, मैम ने भी बोला आप बच्चे को वो बोल रहे हैं भेजो, स्कूल वाले नहीं आने दे रहे, डायरेक्टर की भी नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे डायरेक्टर की भी सुन रहे। अच्छा सर एक बात और, मैं गई डायरेक्टर साहब के साथ पास कल गई, मैंने उनको बोला सर मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या आपने वो देखे, आप नहीं आ सके। वो बोलते हैं जी हम बथेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, हमें लोग बथेरा कुछ बोलते हैं, हम नहीं आते हैं। मैं कहा ठीक है फिर सर, मैं कहा सर हम पागल हुए जो हमारे पेरेंट्स बच्चों को हरास किया, हम पागल हो गए ना, आपको चेयर मिल गई है, आप मतलब कि आप कुछ नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे और साइन करते रहोगे, किसी की साइन कर रहे हो किसी, वो सुनते ही नहीं सर, सुनना तो दूर की बात है, वो तो सुनते भी नहीं जी। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब लोग बोलते रहते हैं वो क्या करें? हाँ मेरे को लोग बड़ा कुछ बोलते रहते हैं, मैं कहा लोग पागल हैं, मैं कहा सर आप जाओ तो, कहते एक लेटर में वो लिखो कि मैंने ऑर्डर दिया। मैं कहा सर मैं क्यों लिखूं, जब आपका स्कूल नाम ले रहा तो आप स्कूल वालों से पूछो जाके, आप उठो तो सही यहाँ से, पूछो तो सही क्यों, क्या चीज है क्या नहीं चीज है। बस टीसी दिलाने में आप टीसी ले लो, अफलान ले लो सर। सेकंड पॉइंट अंडरटेकिंग, क्या डायरेक्टर साहब ने इशू किया अंडरटेकिंग कि अगर बच्चा इंग्लिश में पास नहीं हो रहा है, मैथ में पास नहीं हो रहा है, तो अगर नेक्स्ट में नहीं पास होगा हम उसको निकाल देंगे। ये रमेश्वर महंगी जो सर हैं ये 80-90 के बच्चे ही रखते हैं, जिनके 80% हो 90% हो वो रखेंगे, जिसके 30-40-50 हो उसको बेचारे को निकाल देंगे। अभी मेरे से अंडरटेकिंग लिया हुआ है कि मेरे बच्चे, मेरे जैसे धमकी होती है ना कि 15 के पेपर में अगर ये मई में पास नहीं हुआ इसको मिड सेशन में निकाल देंगे। तो बताओ जो हमने 8,000 की बुक्स ली है, 10,000 की हमने यूनिफॉर्म्स ली है, वो क्या हम डायरेक्टर के सर पे मारे जाके ये उनके टेबल पे रख दें? 8-10 हजार की बुक्स ले ली। हाँ, सर कितनी बुक्स ले ली हैं सर? उसमें मैथ, एसएसटी सर सारी प्राइवेट बुक्स हैं, कुलीन की बुक्स हैं,
सिर्फ एक एसएससी सिविक्स जो है वो जो 65 की है, 65 की है, वो ज्यादा रेट लगाए हैं। एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की सिर्फ एक बुक है जो जो तीन पार्ट्स में होती है, बाकी इंग्लिश मैथ सारा हिंदी प्राइवेट में, क्लोन्स की, कॉलिंस की, नोवा की है, वो भी अपना टैग लगाया है। मैंने मल्होत्रा वालों से ली बुक, बच्चे की तीन चार बुक्स ली है, वो 1000 रुपए की हमारी 5 बुक्स आई है। देखो सर, इसके पास गए हम, हमने बोला जी ये 300, उसने जब मैंने वही हिंदी बुक उसके पास देखी 460 रुपए की, मैंने कहा सर ये तो 360 की बुक है, ये एडिशनल पुराना है। जब मैंने सोचा चलो एडिशनल, मैंने बाप, मैंने कहा चलो आप दे दो, जब मैंने उसको खोल के देखो तो सेम चैप्टर्स। मैंने वापस किया, मैंने कहा सर आपने ये तो बहुत महंगी बुक्स लगाई हैं। सर शाही के पास जाओ, 7th क्लास का, तो सर पिछले साल मैंने कोड नहीं लिया बच्चे का, इन्होंने बच्चे को बहुत हरास किया कोड लो। सर 7th क्लास का कोड जो है वो 3000 का, 7th क्लास तक बच्चा कोट वो पहनेगा, 8th में बच्चा कोट वो दूसरा लेगा, मतलब 3000 यहाँ से गए, नेक्स्ट वाला 6000 में हमने साल में 2 कोट लेने हैं, 8th में कोट चेंज है इनका, इनका 8th में कोट चेंज है। सर शाही यूनिफॉर्म ने रज रज के रेट लगाए हुए हैं, 1800 का ट्रैक सूट देखो सर, बुर पड़ गई है, फेंट हो गए हैं कलर, कमीजें फट गई हैं। अच्छा कपूर साहब, ये सब क्या बातें सुन रहे हैं आप? सर ये बातें मैं 4 साल से सुन रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, चाहे वो पहले जितने रहे या आप जितने आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिश्ते निभाने में लगे हैं, या फिर पता नहीं कौन सी पार्टियों के दबाव हैं इनके ऊपर, कौन से पॉलिटिकल लीडरों के दबाव हैं, या फिर कौन से अटैचियों के रिश्ते हैं। अगर अटैचियों के रिश्ते भी नहीं हैं, अगर दबाव भी कोई नहीं है, इस टाइम कोई सरकार भी नहीं है, इस टाइम LG प्रशासन चल रहा है, उसके बाद भी अगर ये डरेंगे तो मुझे हिसाब से चेयर पर बैठने के काबिल नहीं है। मैं आपको बता दूँ, कोई भी स्कूल बच्चे को फीस के लिए बोल भी नहीं सकता, ये किसका ऑर्डर है? डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू का। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर का खुद का ऑर्डर है। अगर ये माँ डायरेक्टर के पास गई है तो डायरेक्टर के पास पहुंचे, डायरेक्टर को तो उसी टाइम रिटर्न ऑर्डर निकालना चाहिए था स्कूल के खिलाफ कि आपने बच्चे को रोका कैसे फीस के लिए, क्योंकि बच्चे को फीस के लिए बोल भी नहीं सकते, बच्चा इनका हैरास हो रहा है, बच्चे को फीस के लिए बोल भी नहीं सकते और डायरेक्टर खुद के ऑर्डर के लिए ही बोल रहा है हमने मना नहीं किया। भाई तुमने मना नहीं किया, लेकिन बच्चे के लिए बोलना, ऑर्डर निकाल कि बच्चे को बोला कैसे आपने, ऑर्डर एक्शन लेना स्कूल पे। लेकिन ये इतने नालायक ऑफिसर है, मैं आपको क्या बोलूं, इन लोगों इनका वो हिसाब हो गया है कि हमें तो आदत हो गई है सुनने की, इनका वो हिसाब है हमें तो आदत हो गई है सुनने की। ये वो लोग हैं, इतने डीट लोग हैं। मैं LG साहब को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि LG साहब, या तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या आप भी इन्वॉल्व हैं, या तो आप भी इन्वॉल्व हैं अरबों रुपए के नेक्सस में, या फिर आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट का समय दीजिए, हजारों प्रूफ आपके सामने रख दूंगा। अगर ये 10 रुपए MRP बॉटल की है तो 20 रुपए स्कूल कैसे ले रहा है, यानी कि अगर फीस इनकी फिक्स हुई है 400 रुपया तो 1000 रुपया कैसे ली जा रही है, अगर फिक्स 9000 हुई है तो 17000 कैसे ली जा रही है, अगर 17000 हुई है तो 30000 कैसे लिया जा रहा है, ये पूछना चाहता हूं मैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 DC जिन्होंने ऑर्डर निकाले, हमें कंप्लेंट ग्रीवियंस सेल बनाए, पहले एक जागा, फिर दूसरा जागा, फिर तीसरा जागा। जम्मू कश्मीर में 3 ही DC हैं, बाकी सोए थे, तो चलो 3 DC जो जागे। अब DC को तो पता नहीं बेचारों को कि भाई क्या ऑर्डर्स हैं क्या नहीं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिन लोगों ने ये DC मैडम ने टीम बनाई है, या DC ने टीमें बनाई हैं, उनको भी नहीं पता कि स्टे के ऊपर स्कूल को क्या बोलना है, अप्रूवल के ऊपर स्कूल को क्या बोलना है, JKFFC क्या चीज है, कौन फीस फिक्स करती है कौन नहीं करती। मैं आपको बता दूं, एक कंप्लेन आई, कंप्लेन वाली बात बाद में बताता हूं, एक नौशहरा से पेरेंट्स आए हैं हमारे पीछे बैठे हैं, इन्हीं की बात बताता हूं। इनके स्कूल में एक प्रोटेस्ट था, मैं वहां पे पहुंचा, क्राई स्कूल, सबने मेरे से अप्रूवल मांगा, मैंने अप्रूवल अपने फेसबुक पे चला दिया कि ये स्कूल जो है इतनी ही फीस ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता, मैं मैक्सिमम स्कूलों की चलाता जाता हूं जो जो पेरेंट्स की कंप्लेन आती है। तो इनको पता चला कि 4500-4500 रुपया लेने के बजाय ये तो 9000 रुपया ले रहे हैं, और बुक्स कोई स्कूल सेल अंदर कर नहीं सकता, हर एक ऑर्डर में लिखा है ये बुक्स सेल भी अंदर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म पर्टिकुलर शॉप पे सेल कर रहे हैं, और तो और फीस भी जो तय हुई है उससे भी एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है, यानी कि मंथली फीस भी एक्स्ट्रा ली जा रही है। तो मैं जब वहां पे पहुंचा, मैंने कहा चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं, बड़े पीसफुल तरीके के साथ 30-40 पेरेंट्स इकट्ठे हुए, हम बात करने के, नहीं खोला,
हम जेडीओ के पास गए, जेडीओ ने भी बोल दिया कि ये स्कूल लूट रहा है, हमें भी पता है लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे इस पे। जेडीओ सरकार कुछ भी नहीं कर पा रहा। जेडीओ को हमने रिसिप्ट दी कि ये एनुअल चार्जेस की रिसिप्ट है 9000 की और 4000 आपका पास है 4500 रुपया, ये 4500 ज्यादा लिया है, पर बच्चे से 2 सालों से ज्यादा लिया जा रहा है और जो फीसें हैं वो भी ज्यादा ली जा रही है, पर बच्चे का 26000 रुपया वापिस देने के लिए बना। जेडीओ कहा ठीक है कि मैं आगे आपको आपकी ये कंप्लेन रख दूंगा। कल डीसी साहब का ऑर्डर आ जाता है कि एक वीडियो वायरल हुई थी, डीसी राजौरी का वीडियो वायरल हुई थी, उसके ऊपर सीईओ को बोला गया, प्रिंसिपल को बोला गया, डिप्टी सीईओ को बोला गया कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि क्या मसला है, क्या सच है। वो भाई साहब आपको प्रूफ दे रहा हूं कि जेके एफएफसी ने आपकी 4500 रुपया, ये अगर जेके एफएफसी का ऑर्डर है 4500 रुपया, 9000 की रिसिप्ट दे रहा हूं स्कूल की कि ओपनली दांतली में चाहिए, 9000 ले रहा है, तो इसमें बताइए कौन से प्रूफ चाहिए आपको। आपको ऑर्डर निकालना चाहिए था जितने बच्चों से फीस ली है, जितना 1500 बच्चा है उसको सबको रिफंड की जाए। एक्शन नहीं ले सकते हैं स्कूल? मैं कह रहा हूँ फीस रिफंड का ऑर्डर ही निकाल देते, पेरेंट्स बेचारा खुद ही लड़के ले लेता। मैं मुंह से कुछ निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग चेयर पे बिठाए हैं जिनको खुद का नहीं पता कि हमने करना क्या है, कौन सी टीम बिठानी है, कौन सी ऑर्डर को निकालना है, कितने प्रूफ चाहिए। मैं देने को तैयार हूँ अरविंदर रैना जी, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल मैंने बोला जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो एनसी, चाहे वो पीडीपी, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी लीडर्स हैं वो आए। मैं नॉन पॉलिटिकल पेरेंट एसोसिएशन जम्मू की तरफ से 4 साल से फाइट कर रहा हूं, मैं यहां पे बैठा हूं, मैं अकेला बैठूंगा। मैं चाहता तो अपने 20-30 अपने मोहल्ले के लोग ले आता, बिठा देता, लेकिन मैंने कहा मैं अकेला बैठूंगा, जो आना चाहता है आए। इस फाइट में हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। आपके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, आप समाज सेवक हैं तो आपके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। हमें समाज के बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए इस एजुकेशन माफिया को खत्म करना होगा, सुधारना होगा। तो सबको इनवाइट किया था, अब देखते हैं 3 दिन में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। कल एक स्कूल भी बंद हुआ। मैं वो भी देखो, कल स्कूल में जब मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी में मुझे मीडिया वाले ने बताया भैया वहां पे ऐसे स्कूल बंद हो गया, तो मैंने आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के मैं वहां पे भागा, वहां पे गया, मैंने सभी पेरेंट्स को बोला था, मैंने कहा अगर आपका कोई भी निपटारा नहीं होता मैं आपके साथ हूं, वहां पे मैंने प्रोटेस्ट भी करा। अब मसला ये है कि स्कूल जो चलना है नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना है, अब इनको आदत पड़ चुकी थी जो पुरानी कमाइयां हैं वही चलती जाएं, वो पुरानी कमाइयां, अब बच्चे रह गए थे वहां स्कूल में कम, अब बच्चे जो हैं वो बिल्डिंग बेचना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, या उनको कमाई कम लग रही थी। कौन से बच्चे? जो वहां स्कूल में बच्चे थे। जो बच्चे पढ़ रहे थे वो स्कूल बेचना चाहते हैं कि ऑनर के बच्चे? जो बच्चे ऑनर के बच्चे, ऑनर के बच्चे स्कूल बेचना चाहते हैं, बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, या उनको लग रहा होगा यार 17 बच्चे हैं तो कमाई तो हो नहीं रही, अब तो जो कमाई वाला टाइम था वो तो निकल गया, अब नहीं आ रहे, अब अपने हिसाब से सिस्टम होगा उन स्कूल का। तो स्कूल अगर भाई साहब आपने स्कूल बंद करना था, एक सिस्टम होता है, आपको 1 महीना पहले ही सुना देना चाहिए था कि मार्च महीने आपके पेपर हैं, उसके बाद आप दूसरे स्कूल में चले जाइए, ताकि बच्चे बेचारे परेशान ना हो। उन्होंने एडमिशन फीस भी ले ली, एनुअल भी ले लिया, फीसें भी ले ली, उसके बाद टीचरों को भी खज्जल किया। टीचरों को उनका बेटा कहीं 3-4 लड़के लेके आया, बेटा आया या कौन रिश्तेदार आया, कोई ट्रस्टी था, कोई सेक्रेटरी था, 3-4 बंदे लेके आया, टीचर ने बोला हुआ है उसमें, टीचर को दबाव बनाने लगा कि अभी स्कूल बंद कर दीजिए। तो भाई साहब पहले कहां सोए थे, जब मार्च महीने सेशन स्टार्ट हुआ अप्रैल महीने, आप पहले ही फीस एडमिशन क्यों लिया आपने, ताकि बच्चे दूसरे स्कूल में जाते। तो मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को कल भी मैंने चैनल के माध्यम से कहा, मैं आज भी कहता हूं कि इन बच्चों को 3 दिन में एडजस्ट करवाइए, दूसरे स्कूल में डलवाइए, इस फीस वापस करवाइए, ऐसे स्कूलों की बिल्डिंग सीज कीजिए जब तक पैसा वापस नहीं होता, जब तक बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है। और मैंने सभी बच्चों को बोल दिया था कि भाई जहां पे आपको मेरी जरूरत पड़ती है आप मुझे याद कर सकते हैं, कल मैं वहां पे स्पेशली गया हुआ था। अब बात रही कि स्कूलों की, मैं स्कूलों के नाम लिख के बता देता हूं, 9th-10th क्लास रजिस्टर्ड ही नहीं है, माउंट लिटेरा जी स्कूल, कोई भाजपा का कोई लीडर नहीं है, पढ़ा रहे हैं, क्लास लगी है 3 सालों से, पिछले साल उन्होंने 10th के पेपर जो है कठुआ से दिलाए, सुनिए अभी भी वो सीबीएसई नहीं है, 3 सालों से सीबीएसई फीस ले रहा है, लूट रहा है। जेके एफएफसी के अप्रूवल में 8 से 9 हजार उसकी फीस सेट हुई थी, 17,000 से 20,000 रुपया लिया गया पेरेंट से, ठीक है। इस बार मैंने उसकी वीडियो बनाई अपने पेज पे, सबको वो किया, मतलब की अवेयर किया, तो लोग जब बोलना स्टार्ट हुए तो अब वो उतने पे आ गया 8-9 हजार के पे, यानी कि ये हाल है। अमित कपूर अवेयर करेगा
तो पेरेंट्स अगर बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स बेचारा लुटता जाएगा। पहले तो पेरेंट्स को दबा दिया जाता है, पेरेंट्स को डरा दिया जाता है, जैसे इस माँ को डराया गया, जैसे पेरेंट्स को डराया गया, जो डर गया तो समझ लो सारा सारे पेरेंट्स लुट गए। जो बेचारा एक बोलेगा तो उसको तंग किया जाता है ताकि दूसरे सोचे कि ये परेशान हो रही है तो बाकी परेशान होंगे, इसलिए चुप करके बैठ जाओ। तो ये हालात हमारे, ब्लैकमेलिंग चल रही है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। अगर माँ बाप इस तरह से चुप्पी साधेंगे कैसे समाज में का भला हो सकता है, बच्चों को क्या संदेश? माँ बाप, मैं आपको बता दूं कि एक दिन क्रांति आएगी, एक दिन क्रांति आएगी। आज पेरेंट्स अवेयर हो गया है। आज जिस तरह माउंट लिटेरा जी स्कूल 20,000 रुपया पिछले साल ले रहा था, आज 8,500-9,000 रुपये भी आ गया, तो समझ सकते हैं कुछ तो राहत मिली। उनको बोल दिया गया है फीस एडजस्ट होगी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मैं अभी पेरेंट्स को कहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं कि आपको फीस एडजस्ट करेंगे पिछले साल की। आप आवाज उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी स्कूल जम्मू कश्मीर में 20 पेरेंट्स इकट्ठे हो जाइए, सिर्फ 20 पेरेंट्स। अगर 3,000 बच्चा है आपके स्कूल में, सिर्फ 20 पेरेंट्स इकट्ठे हो जाइए। जिस स्कूल की एक्स्ट्रा फीस अप्रूवल के बाहर ली जा रही है, मुझे अपने स्कूल में बुला लीजिए। किसी प्रिंसिपल की औकात नहीं कि मेरे सामने आके बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अब कुछ स्कूल बोलते हैं कि हमारा स्टे है, हम सीबीएसई आते हैं। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जितने भी स्कूल हैं सब डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर के अंडर आते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। पेरेंट्स बेचारे को पता नहीं होता, उसी चीज का नजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। अब जो लोग बोलते हैं स्टे, कल मैं बात करूं, मैं बात सुना रहा था आपको, नौशहरा में एक कंप्लेनर ने, सोचिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही वो आदमी है, स्कूल में बच्चे पढ़ते थे श्रीराम यूनिवर्सल में, उसने कंप्लेन करवाई थी एलजी ग्रीवियंसल में, उसने कंप्लेन करवाई थी डीसी सांबा में, उसने कंप्लेन करवाई थी सीओ सांबा में, उसने कंप्लेन करवाई थी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को, यानी कि उसने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। एक कमेटी बैठी, कमेटी स्कूल में गई, इतना सब कुछ मैंने बोल दिया चैनल के माध्यम से कि स्कूल अगर स्टे है तो स्टे, यस स्टे, स्टे के ऊपर क्या लिखा है ये पढ़िए कि कोई स्कूल फीस एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। लेकिन वो प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल कमेटी बनाई होगी किसी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को, अब प्रिंसिपल को भी नहीं पता कि जेके एफएफसी क्या चीज होती है। उनको बेचारों को पता है अपने स्कूल सुबह जाना है, शाम को आना है, बच्चे पढ़ाने हैं, घर चले जाना है। उनको भी नहीं पता कि क्या अप्रूवल है क्या नहीं है, उनको भी नहीं पता। उन्होंने कंप्लेनर को बुला दिया, कंप्लेनर मुझे सुबह फोन करा, सर ऐसे ऐसे बात है, मुझे 10 बजे बुलाया। मैंने कहा जाओ, कहते वो कह रहे हैं स्टे है उनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको भेजा ये बता। जब उसको भेजा वो बताया, फिर भी अभी तक कोई ऑर्डर तक नहीं निकाला गया फीस रिफंड का। देखिए मैं आपको बता दूं, जो स्कूल पेरेंट्स को कहता है स्टे है, 9/9/2022 का ऑर्डर है, पेज नंबर 7 है, 7 नंबर पेज पे 9/9/2022 का ऑर्डर है जेके एफएफसी का, जेके एफएफसी की वेबसाइट पे चढ़ा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कैप्टन एवियंस, यानी कि अगर आपका स्टे भी है, सच टाइप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन लॉ वुड बी द ऑथोराइज्ड टू चार्ज एंड कलेक्ट ओनली दैट फीस फ्रॉम द स्टूडेंट व्हिच वाज अर्लियर रेगुलेटेड बाय द एफएफआरसी। सच टाइप ऑफ स्कूल कैन नॉट फिक्स द देमसेल्फ एंड चार्ज एंड कलेक्ट सेम फ्रॉम स्टूडेंट। इधर देखिए, कीपिंग इन एडवांस, यानी कि आपका स्टे भी है, ऑफ फीस रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ एफएफआरसी बाय ऑनरेबल द हाई कोर्ट विदाउट वुड नॉट एंड शैल नॉट ऑथोराइज स्कूल मैनेजमेंट टू फिक्स फीस स्ट्रक्चर। कि कोई भी स्कूल जो है, कोई भी अपनी फीस फिक्स नहीं कर सकता, कोई स्कूल अपनी फीस फिक्स नहीं कर सकता, कोई स्कूल जो है जेके एफएफसी की फिक्स की हुई फीस के एक पैसा भी ऊपर नहीं ले सकता। तो ये साफ साफ है। इनके जब डीसीओ ने कमेटियां तो बना दी, लेकिन कमेटियों को ही नहीं पता, कमेटियों को ही नहीं पता कि स्टे वे ऊपर हमने क्या जवाब देना है, क्या एक्शन लेना है और क्या लिखा है। उसके बाद मैंने खुद एक कंप्लेन की डीसी ऑफिस में, मैंने कहा सर मैं आपको बता दूं, एक स्कूल है, मुझे पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है, 1200 रुपया सेंट एग्जेवियर कॉन्वेंट स्कूल मुठी, सॉरी बनतलाब बनाई, सेंट एग्जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बनतलाब बनाई, 1200 रुपया वो फीस ले रहा है स्मार्ट क्लासेस का, 3000 बच्चा है, 1200 रुपया फीस ले रहा है, 37 लाख रुपया उसने इकट्ठा कर लिया, जिसके पास एक पैसे का भी अप्रूवल नहीं, एक पैसे का भी अप्रूवल नहीं। तो बताइए, जब मैंने कंप्लेन की, वो जनाब पता क्या कहते, वो स्मार्ट क्लास की फीस तो ले सकते महाराज, लेकिन फीस वो ले सकता स्मार्ट क्लास जो अप्रूवल है। जम्मू कश्मीर का एक भी स्कूल दी स्मार्ट क्लासेस की फीस अप्रूव नहीं हुई है, जम्मू कश्मीर के एक भी स्कूल की स्मार्ट क्लासेस की फीस अप्रूव नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है पेरेंट्स को, 1200 से लेकर 3000 रुपए तक जेके एफएफसी के अप्रूवल के बाहर जाके फीसें ली जा रही है, और
35-35, 40-40 हजार रुपया पर बच्चे का, कईयों का 2-2 हजार, कईयों का 5-5 हजार, कईयों का 10-10 हजार, यानी कि लाखों अरबों रुपया पेरेंट्स का वापस करना है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। रिफंड फीस का ऑर्डर क्यों नहीं निकल रहा, क्यों रिफंड फीस का ऑर्डर नहीं निकल रहा ये पूछते हैं हम। क्यों बुक्स जो एक्स्ट्रा लगाई गई है उसकी वापिस का ऑर्डर नहीं निकल रहा, क्यों एनसीईआरटी के लायदा एक्स्ट्रा बुक्स लगी है, क्यों राइट टू एजुकेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों जो पेरेंट्स के हक में ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। फेल मतलब माफिया को कंट्रोल करने में फेल। मैडम मैं कह रहा हूँ ये फेल नहीं है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए इनको, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कीजिए, ये नालायक अपने बच्चों के लिए भी नहीं है। इनको ये शर्म नहीं आती जो पब्लिक टैक्स देती है तो अपने बच्चों को ये खाना खिलाते हैं और उन्हीं पब्लिक को ये बेवकूफ बनाते हैं और चंद स्कूल वालों के जाकर रिबन काटते हैं। और कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी ट्रस्टीज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो आइए पेरेंट एसोसिएशन जम्मू नॉन पॉलिटिकल बनकर यहां बैठी है, सिर्फ आइए इकट्ठे मिलकर फाइट करें। आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आपके चलता हूं, लेकिन पेरेंट्स को लूटने से बचा लीजिए। अगर मैं गलत हूं, मेरे पास प्रूफ कोई गलत है, मैं झूठा साबित होता हूं, मेरे को जेल में डालिए। अगर ये प्राइवेट स्कूल माफिया गलत है तो इसको सुधार कीजिए, मैं नहीं कहता इनको जेल में डालिए, इनको सुधार कर दीजिए और पेरेंट्स का पैसा वापस दिला दीजिए। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत, थैंक यू सर। तो ये जो बातें हम ये बोल रहे हैं सभी लोग, ये संगीन है, और क्यों अब तक इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। अच्छा मैं नाम जान सकता हूँ आपका? जी महेश बख्शी। महेश बख्शी जी, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप सपोर्ट के लिए आए? जी आम आदमी पार्टी के छात्र संघ का जम्मू प्रोविंस का अध्यक्ष हूँ जी। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो बातें, इतनी सारी बातें हम सुन रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक्शन भी नहीं हो रहा है, कारण क्या लगता है आपको? नलायकी, इनकम्पिटेंसी, शायद अंडर द टेबल कुछ पैसा इधर से उधर हुआ है, यही चीजें हैं। आप देखें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जो हैं वो मंच पर, आप सभी मीडिया बंधु कवर करते हैं, वो कहते हैं कि 0% टॉलरेंस होगी टुवार्ड्स करप्शन। एक कितनी सी भी करप्शन कहीं किसी भी एग्जाम में अगर पाई जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एग्जाम्स की जो करप्शन छुड़े, यहाँ पे जो पैसे की लूट खसूट जो पेरेंट्स से स्कूल माफिया द्वारा ली जा रही है, आप सबूत की अगर बात करें तो सारे सबूत आपके सामने हैं। मीडिया बंधु जो है वो बुक शॉप्स के बाहर जाके पेरेंट्स की जो है बाइट्स लेते हैं। फीस कितनी जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, कितनी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स चार्ज कर रहे हैं, ये आपके सामने। और आप कौन से सबूत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और क्या सबूत दें आपके? और तो कोई सबूत नहीं है। इतने सारे सबूतों के बावजूद भी अगर आप कोई कार्रवाई प्राइवेट स्कूल माफिया पर करने में असमर्थ हैं तो इसके पीछे फिर अब आप पे एलिगेशन ही लगाए जाते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई अमित जी ने कहा कि या तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को बदनाम करने की कोई साजिश है या फिर वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा ये सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए एक ही बात कहने का मन करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इतने सब लूप होल्स इस स्कूल माफिया में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को एक चम्मच में, छोटा सा चम्मच में पानी लेना चाहिए और उसी में जो है वो अपना मुंह डाल के डूब मरना चाहिए। इनको तो तालाब और नदियाँ भी नहीं चाहिए डूब मरने के लिए, चम्मच में ही पानी लेना चाहिए, क्योंकि इतना सब जो है ये कैसे डिनाई कर सकते हैं, आंखें कैसे बंद कर सकते हैं इतने सारे प्रूफ्स के बाद भी। तो बड़ी निराशाजनक बात है। कई बार ये सवाल भी लोग करते हैं और कई बार ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकालेगी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में डालें ताकि ये जो लूट खसूट है ये खत्म की जा सके, लेकिन अब तक आदेश नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण लग रहा है? सर सरकारी स्कूलों की आप स्ट्रक्चर उनका देखिए। सरकारी स्कूलों में जैसे हमारे भाई साहब नौशहरा से आए, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज देखिए, आप करिकुलर एक्टिविटीज की बात करिए, आप सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर देखिए, अदर एक्टिविटीज देखिए, छोड़िए एक्टिविटीज भी छोड़िए, आप उनका रिजल्ट देख लीजिए। अब कोई भी एक ऑटो ड्राइवर का भी बच्चा हो या मेटाडोर चलाने का, सब्जी बेचने वाला भी बच्चा का हो, वो यही देखेगा कि मैं पढ़ाई में असमर्थ रहा, मेरे माता पिता असमर्थ रहे तो आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा जो थोड़ी तरक्की करे, तो वो अपना पेट काट काट के बोलेगा कि मैं इसको सरकारी स्कूल में भेजूँ, इसको प्राइवेट स्कूल में भेजूँ, बेशक मैं एक वक्त का खाना कम खाऊँ या रोटी के साथ अचार खाऊँ या रोटी के साथ कुछ भी ना खाऊँ, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूँ। और अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप देखें, आप अभी माइक उठाएं, किसी भी सरकारी स्कूल में घुसें, आपको नीलबट्टा सन्नाटा दिखेगा, रिजल्ट में भी और स्ट्रक्चर में भी और एक्टिविटीज में भी। इसीलिए एक फिर वो वाले बंद कर दो, सरकारी बंद कर दो, क्यों इतनी सैलरियां दे रहे हैं? आप देखें सर, कुछ पिछले साल एक डाटा भी सामने आया था, डोडा में एक किश्तवाड़ में कोई ऐसा स्कूल था जहां पर बच्चे जो है वो 25 थे और टीचर जो है वो 35 थे।
टीचर ज्यादा थे और स्टूडेंट कम थे, तो ये तो हाल है। मतलब सरकारी पैसे को, सरकारी खजाने को चूना लगाने का इतना बढ़िया तरीका है और सब कुछ सामने है फिर भी आंखें मूंद ली जाती हैं, तो ये बड़ी निराशाजनक बात है। ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कहती है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि सब मिले हैं, सबको सरकारी तनख्वाहें चाहिए, अंडर द टेबल पैसे भी चाहिए, तो कार्रवाई करे तो करेगा कौन। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया सर जी, थैंक यू सर। तो ये लूट जिस तरह की बातें ये सुनने में आ रही है और जिस तरह से सरकार भी इसके ऊपर मंथन कर रही है, ऐसा लगता नहीं है कि ये रुकेगी। सरकारी स्कूलों पे कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मेरे को जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, अमित भाई साहब जी ने बोला कि पेरेंट्स बाहर नहीं आते क्योंकि उनको अपने बच्चे का वो है। अब देखिए, मैं मजबूरों के बाहर आई, मैंने गर्ड्स अपने किए कि जब सर से पानी ऊपर हो गया तो मैं आई। अब देखिए, अब मैं उनके खिलाफ बोली हूँ, उनके सारे रिकॉर्ड सबमिट हुए हैं। अब देखिए, मेरे बच्चे को नहीं जाने दे रहे हैं, ये तो शरेआम गुंडागर्दी है कि अगर एक मदर बोली है तो मैं बच्चे को स्कूल में नहीं आने देना। तो ये क्या सोचते हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगी? आप जितनी मर्जी वीडियोस डालो मेरी, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैंने कुछ चोरी सोड़ी की है। आपकी वीडियोस भी डाल रहे हैं? वीडियोस भी डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नेट पे, कोई कह रहा था जी आपके नेट पे वीडियोस डाली हैं। तो मेरा बच्चा बोलता है मम्मा आपने नेट पे वीडियोस डाल गई है। मैं कौन सी, मैंने क्या बोला, मैंने तो जगह पिटा है उनको, बोला की मैंने मेरे बच्चे को अंदर आने दो, ये मुझे पकड़ रहे हैं। मैंने तो अपने आप को खत्म करना ही, अगर मेरा बच्चा कोई किसी को कैसे करा, बाजू को किसी को बैग लेके उसका छीन रहा, मैंने तो बोलना ही है टिल फादर। क्या टिल फादर, क्या आपको डायरेक्टर साहब ने बोला कि बच्चा नहीं जाए? एसडीएम साहब ने बोला है, जब मीटिंग फ्रेम हुई है वो बोल के गई है कि बच्चा अंदर आएगा। और एक्शन मैंगी ने अपने मुंह से सब कुछ कबूल किया है कि मैंने रिजल्ट भी इनका ब्लॉक आउट किया था, इन्होंने ट्रांसपोर्ट फीस नहीं दी, सब कुछ उनके सामने ये बोला गया हुआ है, उन्होंने लिखा है पॉइंट, और मैंने उनको ये लिख के दिया है कि सर मेरा बच्चा फीस के रिकॉर्डिंग बाहर नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए ही नहीं सिर्फ बोल रही, मैंने लिखा बाकी बच्चों के लिए। अगर आरएम के पेरेंट्स देख रहे हैं कि एक मदर आरएम की जो बोल रही है, अगर वो मेरे साथ नहीं, उनके 8 बच्चे सर और थे, उन्होंने मुझे नहीं पता कैसे फीस दी, मैंने उनको सर फीस देनी थी, मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई थी, मैंने फीस दी। मैं नहीं कह रही कि मैंने फीस नहीं देनी है, मैं सब बातें आ गई। अब अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप? अंत में यही कहना चाहती हूँ सर, हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे मेरा बच्चा अंदर जाने, मतलब सब बच्चे जितने भी है जो आप चाहते हैं उसी स्कूल में वो पढ़े। हाँ, उसी स्कूल में पढ़े। ये थोड़ी बात है कि अगर मैं आज अगेंस्ट हूँ और मेशर मांगी तो वो मेरा बच्चा बाहर निकाल देगा, कहाँ का असूल है ये उसका? तो ये इंसाफ मांग रही है, ये कह रही है कि इनके बच्चे को उसी स्कूल में एडमिशन दी जाए, वहाँ उसे एंट्री मिले और वो वहीं पर स्टडी कर रहे। लेकिन ये लूट खसूट रुकेगी कैसे, इस पर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।